हेलो ब्रो, स्वागत है मेरे अलर्ट मोशन के HDR कलर ग्रेडिंग वीडियो में। अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप अलर्ट मोशन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अलर्ट मोशन ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद प्लस आइकन दबाइए, 9:60 रेशियो ले लीजिए, रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रेम एंड ब्लैक बैकग्राउंड, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद प्लस आइकन में जाइए, मीडिया में जाइए, अपना वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए CH चैनल रिमैप RGB, इसमें जाइए, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाइए। इतना जाने के बाद जो बी है ना, बी में, बी वाली रो में, उसको बी में है, उसको जी कर दीजिए। इतना करने के बाद बैक आ जाइए, फिर वही वीडियो में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए सिचुएशन SA, सिचुएशन एंड वाइब्रेंस आ जाएगा, उसमें जाइए, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाइए। उसके बाद अंदर जाइए, सिचुएशन को बढ़ा दीजिए, सिचुएशन में बढ़ा दीजिए, 50, 60 भी बढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आप बैक आ जाइए, फिर प्लस आइकन में जाइए, एक शेप लीजिए, शेप को बढ़ा कीजिए, कलर एंड फिल में जाइए, शेप को कलर स्काई कलर कर दीजिए। इतना करने के बाद वही शेप में जाइए, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाइए, फिर डिफरेंस में जाइए, तीसरे में सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद कलर करेक्ट हो जाएगा। फिर वही शेप में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए कॉपी बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड, स्टैंडर्ड में जाइए, छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद फिर से वही शेप में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए जी, अपने आप गॉसियन ब्लर आ जाएगा। जाने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में जाइए, गॉसियन ब्लर के अंदर जाइए, बढ़ाइए 400 के अराउंड, 500 भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप बैक आ जाइए, फिर से वही शेप में जाइए, इफेक्ट में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, सर्च कीजिए EX एक्सप्लोजर एंड गामा, जाइए उसके अंदर, स्टैंडर्ड में जाइए, फिर से वही एक्सप्लोजर एंड गामा में जाइए, एक्सपोजर को माइनस कीजिए। इतना माइनस करने के बाद गामा में जाइए, गामा को भी माइनस कीजिए, अराउंड 700 कर देना, समझ लीजिए ऑफसेट, उसके बाद नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट को भी माइनस कीजिए, थोड़ी सी माइनस कीजिए, बैक आ जाइए, फिर प्लस आइकन में जाइए, एक शेप लीजिए, शेप को बड़ा कीजिए, कलर इन फिल में जाइए, वाइट कलर कर लीजिए, फिर बैक आ जाइए, फिर वही शेप में जाइए, ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाइए, कंट्रास्ट में जाइए, उसके बाद ओवरले कर दीजिए। इतना करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाइए, ऊपर के दोनों लेयर को सेलेक्ट कीजिए, इस वाले आइकन को दबा दीजिए, फिर एंडिंग में जाइए, फिर यही वाले आइकन को दबा दीजिए। अब आपका वीडियो पूरा बन चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओह सॉरी, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने की जगह ऊपर में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। धन्यवाद।